हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 4 घन और घनमूल प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, वो कहता है एक पेटी में चौक के डब्बे घन के रूप में रखे हैं। यदि कुल डिब्बों की जो है वह संख्या जो है वह 2197 हो तो बताइए कि जो है वह यानी कि प्रत्येक तह में डिब्बों की संख्या कितनी है। कहता है कि जो है वह एक पेटी में जो है वह चौक के डब्बे घन के रूप में जो है वह रखा हुआ है। वो पेटी में जो है वह चौक के डिब्बे जो है वह घन के रूप में जो है वह रखा हुआ है, ठीक है। और वहां पे कुल डिब्बों की संख्या जो है वह दिया हुआ है 2197 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2197 दिया हुआ है। तो इसमें बताना है कि जो है वह प्रत्येक तह में डिब्बों की जो है वह संख्या यानी प्रत्येक तह में जो है वह डिब्बों की जो है वह कितनी पंक्तियां होंगा, ये जो है वह आपको बताना है। तो इनका जो है वह यानी कि वह ये जो है वह घनमूल निकाल दीजिएगा, जितना आएगा वह आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे लिख दीजिएगा हल। इनको हम एक्स मान के भी बना सकते हैं, तो हम जो है वह एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है? कुल डिब्बों की संख्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिख दीजिए कुल डिब्बों की संख्या कितना है बुआ? ये जो है वह 2197 है। टोटल जो है वह 2197 जो है वह डिब्बों की संख्या है, ठीक है। इनका जो है वह निकालता है प्रत्येक तह में जो है वह यानी कि कितना डिब्बा होगा ये बताना है, वो भी जो है वह घन के रूप का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वह 2197 को जो है वह पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये जो है वह 9, 10, 17, 18, 19 हो जाएगा। ये जो है वह 7 से लगेगा। ये किन से लगेगा बुआ? ये जो है वह 13 से लगेगा, ठीक है। ये जो है वह 13 से लगेगा। ये जो है वह 13 से लगेगा, 169 आएगा, फिर ये 13 से लगेगा, ये 13 हो जाएगा। सिंस ये जो है वह क्यूब रूट ऑफ ये जो है वह 2197 इज इक्वल टू ये क्यूब रूट ऑफ ये जो है वह 13 × 13 × 13। तो देखिए बुआ, ये जो है वह तीन तीन गो के ग्रुपिंग बना के बाहर निकलेगा ये गो, तो ये जो है वह एगो 13 बाहर हो जाएगा। तो देखिए बुआ, डिब्बा में जो है वह यानी कि 13 गो पंक्ति था। क्या पंक्ति है? तो डिब्बा में जो है वह 13 गो पंक्ति है। तो वहाँ पे यहाँ पे बताओ आपकी प्रत्येक तह में डिब्बों की कितनी पंक्तियां हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अतः यहाँ पे लिख देना है अतः प्रत्येक तह में डिब्बों की 13 पंक्तियां हैं। ये जो है वह आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। तो इस तरीका से बनाइएगा, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो 11 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।